हैं पीछे करनी पड़ी यार, नहीं तो ओ भाई यहाँ पे गाइस कॉर्नर पूरे सेक्सी सेक्सी हो रखी है। तो ये देखो विनीत भाई अपने, जहाँ पे एक लड़की थी उस लड़की ने मेरे को देख के बोला वाह, मैंने बोला ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा। हाँ वही तो है, कोई नहीं। अरे नहीं ना पैसे नहीं चाहिए, कोई नहीं। अरे ना ना हेल्प हेल्प है हमारी तरफ से। फाइनली मेरी यहाँ पे पैकिंग पूरी हो चुकी है और ये रहा अपना बैग आज के लिए। तो बाय मम्मी, बाय 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 बाय। एक्चुअली पता आपको एक चीज बताता हूँ, कल जब मैं यहाँ पे सारा था तो मेरी बाइक यहाँ पे टच हो गई थी स्पिलर पे, एंड देन उसके बाद मैंने स्पिलर पे इतना जोर से पत्थर से मारा ना, गुस्से में पूरा पिलर ही मैंने उखाड़ दिया यहाँ पे। एक बाइकर इस फीलिंग को समझ सकता है। सबसे पहले तो गाइस आप सबको गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब लोग एकदम मजे में देख रहे होंगे। सबसे पहले मिरर को खोल लेते हैं, एक और नई लॉन्ग राइड। यो गाइस, यो आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि गाइस आप लोगों को बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, टाइटल में आपको सबको पता चल चुका होगा, बट आपको बता देते हैं गाइस हम जाने वाले हैं आज नैनीताल। देखो आगे की बातें बाद में करते हैं, लेकिन अभी मेरा वहाँ पे वेट कर रहे हैं विनीत भाई। तो ये देखो मतलब राइड शुरू हुई नहीं और ऑफ रोड हमको पहले ही मिल गया। चल मेरे घोड़ी। तो हियर इज द विनीत ब्रो। हेलो हेलो, थैंक यू। ओके तो गाइस फाइनली राइड शुरू होती है हमारी ऑफिशियली यहाँ से। आगे विनीत भाई चले अपनी ड्यूक 390 पे। अभी हमें सिमली के मार्केट में, सिमली का मार्केट तो पूरा अपने यहाँ पे ऐसा कोई नहीं हो जो मेरे को ना जानता हो, तो लोग बोल रहे होंगे कहाँ चले गया आज लौंडा फिर से। अभी हमें सिमली से नैनीताल गाइस यहाँ से होगा अराउंड 180 to 200 किलोमीटर। एक्चुअली यहाँ पे से नैनीताल जाने के दो रास्ता है, एक ये वाला भी जाता है, ये वाला रानीखेत होते हुए जाएगा, ये वाला अल्मोड़ा होते हुए जाएगा। तो हम जाएंगे इस रास्ते और आएंगे उस रास्ते वापस। तो यहाँ से गाइस अल्मोड़ा 149 किलोमीटर है, कोसानी 99, ग्वालदम 62 किलोमीटर। तो ये सारे जगह हम कवर करके जाने वाले हैं नैनीताल। तो ये देखो विनीत भाई अपने 390 भगाते हुए यहाँ पे गाइस थोड़ा से स्पीड के मजे लेते हैं, और ये लौंडे ने तो पहले स्पीड के मजे ले लिए। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, लैंडस्लाइड। देखो कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो गई है यहाँ पे। गाइस थोड़ा घट है 215 अल्मोड़ा 141। तो यहाँ पे से गाइस रोड थोड़ा छोटा हो जाएगा और रोड की कंडीशन भी यहाँ पे से पूरी खराब हो जाएगी। अभी यहाँ पे से ना मोटो जीपी वाला रोड खत्म हो गया था, जिस रोड पे अभी तक हम थे वो यहाँ का मोटो जीपी वाला रोड है, जैसे देहरादून का नरेंद्र नगर वाला रोड है ना मोटो जीपी, यहाँ का ये हमारा रेस ट्रैक है पर्सनल वाला। तो ये भाई यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बारिश में भीगना है क्या? यहाँ पे से पूरी रोड छोटी हो गई है। ये देखो एक और फर्जी वाटरफॉल, यहाँ पे पूरी दुनिया फर्जी हो रही है, फर्जी फर्जी हर चीज यहाँ। कुछ तो हुआ है, क्या हो गया है? तुम्हारा बैग एक साइड हो गया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नानबगड़ में। मौसम ऐसे रहे ना तो एकदम मजा आ जाए, मतलब मुझे ना धूप चाहिए ना बारिश चाहिए, ऐसा ही वाला वेदर चाहिए, एकदम रोमांटिक टाइप का। और जब भी हम भीड़ में से जा रहे हैं ना मार्केट वगैरह में से, तो ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं ना, लोग बोल रहे होंगे कौन आ गए ट्रेवलर्स या लॉकडाउन में। ओ भाई भाई यार फक भैंस की टांग, उस गाड़ी वाले ने पूरा कीचड़ फेंक दिया मेरे पे यार। चोरी ऐसे मचा रहे हैं ना ये लोग, भैंस में तो कितना प्यार से निकाल रहे हैं लोगों के सामने कि भाई किसी पे कीचड़ ना पड़े। भाई 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 कितने जवानों बाद हमको अच्छा रोड मिला है, अब 390 वाले भैया की तो क्या ही कहने। लगभग ना एक घंटे से ऐसे ऑफ रोड ही करने में लगे थे, अब जाके थोड़ा रोड सही मिला तो थोड़ा बहुत खुशी मनाना तो बनता ही है। अब इतना पैसे खर्च करके थोड़ा पावर हमने खरीदी है तो पावर के मजे लेने तो बनते ही है। हैं पीछे करनी पड़ी यार, नहीं तो मुत्रा ऐसे में जाएगी यार, कैसे में जाएगी। ओ भाई हाँ
देख रहे हो गाइस, बारिश के टाइम पे आप ऐसी जगह आओगे तो यही हाल होगा। भाई पहला एडवेंचर। सो गाइस ये देखो 390 का क्या हाल हो गए अपने। हाँ, और हमारे जूते का हाल देखो तुम। भाई एडवेंचर यहीं पे शुरू हो गया। सर ये नैनीताल के लिए यही जाएगा ना, नैनीताल के लिए। तो अभी हमको एक गांव में आ चुके हैं, कोई मस्त सा गांव है यहाँ पे। मतलब दूर से जब आ रहे थे ना तो व्यू बड़ा सेक्सी सा लग रहा था। आई डोंट नो कौन सी जगह है, बट थराली से हम आ गए हैं। लगभग 15 किलोमीटर आगे आगे होंगे अल्मोड़ा यहाँ से, 105 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पे गाइस कॉर्नर पूरे सेक्सी सेक्सी हो रखी है, फुल ऑन सेक्सी वाली कॉर्नर है यहाँ पे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना लेट जाए उतना लेट आऊँ, मतलब मजे लेके जाने की पूरी तैयारी है। मतलब पूरे रेड लाइन कर रखी है अपनी आरा 310 की हमने, और पीछे से 390 का भी वही हाल होंगे। A few moments later. Okay, so guys, हमने यहाँ पे अभी कुछ देर पहले नाश्ता वास्ता किया और अभी निकलते हैं यहाँ से। और फिलहाल के लिए हम ड्यूक 390 चला रहे हैं विनीत भाई की। विनीत भाई हम आरा 310 चला रहे हैं पीछे। इनको ना आरा 310 पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। ये देख लो तुम 390 की पावर। जब भी गाइस हाथ में 390 आती है ना तो 390 बोलती है कि खींच मुझे लौंडे खींच। अगर आपके हाथ में 390 और आपने 390 को खींचा नहीं तो भैया 390 की बेइज्जती है। वैसे मेरी आरा 310 भी कंफर्टेबल है, बट ड्यूक 390 ज्यादा कंफर्टेबल है यार। इसमें थोड़ा सा भी नहीं झुकना पड़ रहा है। ये देखो लौंडे को, देखो वहाँ लौंडे को लाल बाइक भगाते हुए। 390 बोलिए केडी टोटल खींच। तो ये ले गाइस अल्मोड़ा 96 किलोमीटर बचा हुआ है। सामने गाइस पूरे मस्त मस्त से नजारे दिख रहे हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना धारचूला के लिए तब सामने वाले पहाड़ों पे बर्फ पड़ी थी। अभी वैसे बर्फ तो नहीं पड़ी हुई है बट फिर भी मस्त सा लग रहा है। यहाँ पे एक लड़की थी, उस लड़की ने मेरे को देख के बोला वाह। मैंने बोला ऐसे मत देखो प्यार हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक मस्त सी झील भी आ चुकी है, आगे पे से एक रास्ता कटता है। अभी गाइस हम ग्वालदम में हैं, तो ये देखो ये ग्वालदम का मार्केट है पूरा। पीछे विनीत भाई होटल देने में लगे हुए हैं। अंकल नैनीताल ये जाता है ना, नैनीताल। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्ट को यहीं ग्वालदम में ही एंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे तक का सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लो, और इस वाले एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर इनेबल कर लेना, ठीक है।